कश्मीर न्यूज़ मैनचेस्टर यूके से गौरत अब्बास है। तो क्वेश्चन ये है कि आज के जो महफिल हुई है इसके हवाले से आप क्या मतलब उम्मीदें और क्या इसकी ख्वाहिश आपके हिसाब से आपको क्या है? यहाँ पे जो गैदरिंग हुई है इसको देख के तो ऐसा लगता है कि पूरा पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरे कश्मीरी जितने भी लोग जो कश्मीरी बसते हैं बेताब हैं कि जब बहुत जल्द हमें आज़ादी की नियमत मुजसर हो। आज जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने असम्बली में तकरीर की है वो कश्मीरियों की आज़ादी में एक नई किरण जागी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वहाँ का बच्चा बच्चा जो आज़ादी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का परचम दिखाई मिलता है वो आज़ादी की नियमत से हासिल कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी। आपका क्या इस बारे में ख्याल है कि जो आज का फंक्शन है इसके हवाले से? देखिए सर, जो आज कश्मीर के हवाले से स्पेशली जो मौजूदा हालात जा रहे हैं इसके लिए बहुत आम फंक्शन हुआ है जिसमें यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर के हवाले से अपना मुद्दा पेश किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी फौज इस तरफ दिलाने की कोशिश की है कि कौमदा की जो करदादे हैं वहाँ से उठा के उस पर अमल किया जाए और कश्मीरों के ऊपर जुल्म जबर को बंद किया जाए और कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने में बहुत अहम इकदाम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। फरद बादशाह, पाकिस्तान न्यूज़, मैनचेस्टर।